जानने के लिए सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। स्टफिंग एंड ऑमलेट के लिए आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो आप सेव कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। सो फॉर दिस, सबसे पहले आपने वेजेस को करना है चॉप, जिसमें मैंने मशरूम्स लिए हैं, कैप्सिकम एंड अनियंस। क्वांटिटी मैंने सारी बिगनिंग में बता दी है। अब आप एक कढ़ाई लेंगे और उसमें जस्ट 1 to 2 टीस्पून ऑयल डालना है। नॉनस्टिक है तो हल्का सा आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट यूजली आई यूज़ यू नो 1 to 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ इवन। अब आपने सौते करने हैं वेजेस को, जब तक गाइस ये थोड़ा सा यू नो सॉफ्ट हो जाए और लाइट ब्राउन सा शेड हो जाए। सो 4 to 5 मिनट्स के बाद आप देखेंगे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और ये कुक्ड हैं। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे और उसके बाद आप थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। सो आप सीजनिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू। और गाइज, मैंने अब दही ऐड करना है इसमें और इसको मैंने हंग करके रखा था फॉर 6 to 7 आवर्स, तो आप नॉर्मल कर्ड भी ले सकते हैं, इट्स योर विश। सो अगर आप नॉर्मल लें तो थोड़ा सा थिक वाला लें, नहीं तो आप हंग कर सकते हैं, 2-3 घंटे में भी हंग हो जाता है। सो इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अगर आप हंग करने की दही की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप देख सकते हैं। सो गैस को कर दीजिए बंद मिक्स करने के बाद और इसको नॉर्मल होने दीजिए। और अब हम गाइस बनाएंगे ऑमलेट। उसके लिए मैंने 2 होल एग्स लिए हैं, दोनों के वाइट एंड येलो पोर्शन बोथ। इसमें भी आप थोड़ी से यू नो सॉल्ट एंड लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और कुछ नहीं हमने करना है। अच्छे से करिए मिक्स। अब नॉनस्टिक तवा लेंगे और उस हल्का सा उसमें ऑयल लगाकर और उसको ब्रश कर दीजिए। अब यहाँ पे आपने गाइस मिक्सचर को स्प्रेड कर देना है और तवे के साथ ऑल ओवर स्प्रेड कर दीजिए। साइड से अगर लग रहा है कि ऊपर को आ गया है तो स्पून से आप इसको लेवल कर सकते हैं। इसको आपने ढक के रखना है फॉर 5 मिनट्स ऑन वेरी लो फ्लेम। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप ढक के रखिए, स्टीम से अपर पोर्शन कुक हो जाएगा। एज यू कैन सी इट्स फुली कुक्ड। सो आपको फ्लिप नहीं करना है, जस्ट ऐसे ही कुक करना है। तो यहाँ पर अब आपने जो वो वेजिटेबल फिलिंग है, स्टफिंग है, वो आप ऐड करेंगे। 5-6 चम्मच आराम से ऐड करिए। प्रॉपर यू नो अ वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी रिच ब्रेकफास्ट इट इज़, बहुत फिलिंग है। सो आप एज अ डिनर भी इसको खा सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। सो आई मोस्टली हैव इन डिनर, तो साथ में आप सैलड थोड़ा सा काटिए एंड योर अमेजिंग स्टफ्ड ऑमलेट इज़ रेडी गाइज। सो आई यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माइंड, डू गिव अ बिग थम्स अप। कॉमेंट करके पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। पिक्चर्स शेयर करें मेरे इंस्टाग्राम पे गिगल्स बाय मीनाक्षी। Catch you guys in the next video. Take care and bye.